हरियाणा की प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हरियाणा पीडब्ल्यूडी वर्कर मैकेनिकल यूनियन ने राज्य महासचिव ने कहा कि वो लगातार सरकार को प्रदर्शन करके जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। आंगनबाड़ी वर्कर लगातार पिछले एक महीने से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों का न्यूनतम वेतन 18,000 मिलना चाहिए और सभी आंगनबाड़ी वर्करों को पक्का करना चाहिए। आंगनबाड़ी वर्करों के धरने पर बैठने से गाँव में बच्चों को राशन नहीं मिल पा रहा। सरकार को चाहिए कि इन आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों को माने। उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन। मैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 41 का राज्य महासचिव होने के नाते आज यह मेरी ड्यूटी लगी थी। पलवल जिले का आज जिला प्रदर्शन था हमारी यूनियन का, और साथ में ये आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन जो हरियाणा श्रमचारी मंच का एक घटक दल है, इनकी मांगे पिछली 12 तारीख से इनका धरना चला हुआ है। इनको भी आज हम समर्थन देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आज हमने अपना जिला का विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने उपायुक्त महोदय को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगों में सबसे पहले तो एक आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का इनका जो है इनकी मांग जो काफी समय से चली हुई है, इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, वो इनकी प्रमुख मांग है। इसके अलावा इनका मानदेय बढ़ाया जाए और जो इनको जो सभी जो कर्मचारियों को सुविधाएं होती हैं वो इनको दी जाए। हमारी जो मांगे हैं उसमें हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, केंद्र के समान वेतन मान और भत्ते जो काफी समय से लंबे पड़े हैं, 2016 के बाद में भी कोई भत्ते हमें नहीं दिए गए, जबकि केंद्र सरकार ने भत्ते लागू कर दिए हैं, हमें नहीं दिया गया। मेडिकल कैशलेस की सुविधाएं हैं वो हमें नहीं दी गई। हमारे कर्मचारी सड़कों पर काम करता है, ट्यूबवेलों पर काम करता है, बिजली का काम करता है, वो कर्मचारी अगर दुर्घटनावश किसी को कोई उसको हो जाती है तो उसको जो है कोई अनुदान स्वरूप कुछ भी नहीं दिया जाता। हमारी ये डिमांड है कि 5,00,000 रुपए सरकार उनको मुआवजा दे। इस प्रकार से हमारे 20 सूत्रीय मांग पत्र है, वो हमने अभी उपायुक्त महोदय को सौंपा है, वो मुख्यमंत्री महोदय को। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय को जो है अपने रिकमेंडेशन के साथ जो है उनको भिजवाएंगे। इसी के साथ समर्थन करने आए हैं और हमारा भी आज यहाँ जिले का प्रदर्शन था डीसी ऑफिस पे, हमने वो मांग पत्र दिया है और हमें सरकार से ये करते हैं डिमांड है कि हम इनके साथ तन मन धन से साथ हैं, बहनों के साथ। या तो इनको मानदेय 18,000 रुपया किया जाए, वरना जिस जब भी ये चाहेंगे हम इनके हर वक्त रात दिन हाजिर रहेंगे और इनके उसको धरने को पूरा समर्थन देंगे। और हमारी भी जो अपनी वो है एक कैशलेस की स्कीम है, कैशलेस में एक सिर्फ एक कर्मचारी है उसका कर दिया, उसकी घरवाली है या उसके नाबालिग बच्चे हैं उनका नहीं किया। एक खट्टर साहब समझते हैं जिस तरह से तू रंडुआ सभी इस तरह से रंडुआ है, जब हमारी जो साथ में हमारी घरवाली या बच्चों का ही कैशलेस और वो भी सिर्फ 5 बीमारियों के लिए किया गया है और ना जो सेंटर ने वो भत्ते दिए हैं, सातवां वेतन आयोग तो लागू कर दिया परंतु अभी तक उनका ना कोई भत्ते बढ़ाए गए हैं। तो उसके लिए हमने आज ये प्रदर्शन किया था और आगे हम या तो मंत्रियों के वहाँ या सीएम के करनाल आवास का घेराव करेंगे। यह हमारी उनकी मांग।